लोगों ने आरोप लगाया कि उनको नरमे का पूरा मुआवजा नहीं दिया गया। सिर्फ यही नहीं, इन ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जिन लोगों ने नरमे को चुनने का काम नहीं किया था उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है। बठिंडा के गांव बीड़ तालाब में लोगों में सरकार के प्रति भारी रोष है। गांव के लोगों का आरोप है कि उन्हें पूरा मुआवजा नहीं दिया गया, जबकि जिन लोगों ने नरमे की चुगाई का काम नहीं किया उनको मुआवजा दिया गया है। इसके चलते गांववासी अजीत सिंह ने बताया कि गांव के करीब 300 लोगों ने नरमे की चुगाई का काम किया था, जिसका अभी तक उनको 1 रुपए का मुआवजा नहीं दिया गया, जिस वजह से लोगों को अपने घर का गुजारा करना भी मुश्किल पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर लोगों को समय पर मुआवजा नहीं दिया गया तो उनको संघर्ष तेज करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सारे पिंड की मजदूर जनता है, सारे गरीब दिहाड़ीदार मजदूर बंदे है जी। सरपंच पंचायत जी सी पूरी उन्होंने मिली भूत करके आपकी वोटा जी पंचायती वोटा की रंडिश करते हुए साडे जो सारे गरीब जनता से मजदूर यूनियन से उन्होंने मतलब इस सरकार वालों जो चुगारिया 25-25 सौ मिलता है सहायता उन्होंने वांझा रखा गया है। पत पत करके जेडे मैंबर पंचायत जो भी उन्होंने सारी फैमिली के वोटर सपोर्टर के चार चार बंदियों के नाम बिना बिलों तो बिना किसी कोई कार्रवाई तो बिना ठोस सबूतों तो उन्होंने सारे 25-25 सौ रुपया मिले है। पर साड़ी गरीब जनता नाल वोटा की रंजिश करते हुए विद्रोह किया जा रहा है। उधर इस बारे में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वसंत गर्ग ने कहा कि आज हमारे पास नरमे की चुगाई को लेकर बीड़ तालाब गांववासी शिकायत लेकर आए थे, जिसकी जांच एसडीएम द्वारा करवाई जाएगी। आज मेरे पास बीड़ तालाब बस्ती के कुछ लोग शिकायत लेके आए थे, जिसे उन्होंने नरमे की चुगाई बारे शिकायत दी है। एसडीएम बठिंडा तो चेक करवावांगे, नाल ही उन्होंने सरपंच के खिलाफ कुछ इल्जाम लगाए ने, वो असीं वीडियो बठिंडा तो उसकी इंक्वायरी करा। फिलहाल पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द मामले की जांच होगी, लेकिन देखना होगा कि इन लोगों को इनका हक कब तक मिल पाता है। पवन मंसल, ब्यूरो रिपोर्ट, बठिंडा।